हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं रिव्यू ऑफ जनरेशन ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। सो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं, 1G, 2G, 3G, 4G, इन सब का एक बेसिक रिव्यू देखेंगे। क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, एक शॉर्ट नोट के अंदर भी होता है और एक 5 मार्क्स या 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है। तो इसमें हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, हर एक की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 1G टेक्नोलॉजी से। जैसे कि 1G के नाम से ही पता लग रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन थी वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन की। सबसे स्टार्टिंग वाली जनरेशन जो थी वो थी 1G टेक्नोलॉजी, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कमर्शियली इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1980s इन US। तो जब ये US के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसको यूज़ किया गया था AMPS के नाम से, ठीक है। इट वॉज यूज एज AMPS। AMPS का मतलब था एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम, एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम। अब बिल्कुल स्टार्टिंग की टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं था, ओनली एनालॉग सिग्नल्स थे वो यूज होते थे। सो ओनली एनालॉग सिग्नल्स आर यूज। अब क्योंकि एनालॉग सिग्नल था सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मिक्स वॉइस एंड SMS। सो ये जब शुरू हुई थी 1G टेक्नोलॉजी, इसमें सिर्फ सपोर्ट था किसका, वॉइस कॉल्स का। SMS का या फिर डेटा का सपोर्ट इसके अंदर नहीं था। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी है दैट ओनली वॉइस इज सपोर्टेड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सपोर्ट ओनली वॉइस कॉल्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में नो सपोर्ट फॉर SMS और डाटा सर्विसेज, नो सपोर्ट फॉर SMS और डेटा सर्विसेज। 1G में SMS और डेटा सर्विसेज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था, वॉइस कॉल्स का सपोर्ट था। अब इसकी जो वॉइस क्वालिटी थी वो भी बहुत खराब थी, सो पुअर वॉइस क्वालिटी। पुअर वॉइस क्वालिटी एक और करेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी। देन बैटरी लाइफ बहुत लिमिटेड थी, ऐसा नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर सकते थे। जो फ़ोन इसमें यूज़ होते थे उसमें बैटरी लाइफ की लिमिटेशन थी, सो लिमिटेड बैटरी लाइफ। लिमिटेड बैटरी लाइफ एंड सिक्योरिटी भी बहुत पुअर थी, ठीक है। सो बहुत पुअर सिक्योरिटी थी, आप इसमें कह सकते हो कि बिल्कुल ना के बराबर सिक्योरिटी थी। सो दीज आर सम ऑफ दी करेक्टरिस्टिक्स। और जो इसकी स्पीड थी, 1G की, दैट यू कैन राइट इट डाउन, जो ये स्पीड सपोर्ट करता था वो था 2.4 KBPS। बहुत ही स्लो स्पीड थी, अगर आप आज के टाइम से कंपेयर करोगे तो बहुत स्लो स्पीड थी इसकी, ठीक है। अब इसमें देखो कोई अवेलेबल जो फ्रिक्वेंसी थी आपकी वो आप रीयूज़ नहीं करते थे हम इसमें। तो इसमें हम करते क्या थे, इसमें हम अपनी जो फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम था उसको नंबर ऑफ चैनल्स के अंदर डिवाइड कर देते थे, और हर एक चैनल एक दूसरे कॉलर को हम दे देते थे, एक सेपरेट कॉलर को हम देते थे। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलर्स को ही हम देते थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या था, जैसे कि ये आपका पूरा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, तो हम क्या करते थे यहाँ पे इसको सब बैंड्स के अंदर डिवाइड कर देते थे। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक सब बैंड आपका बन जाएगा 1, एक और सब बैंड आपका बन जाएगा 2। इस तरह से पूरा जो फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम था उसको डिफरेंट डिफरेंट सब बैंड्स को डिवाइड कर दिया, और हर एक सब बैंड एक सेपरेट कॉलर को दे दिया या सेपरेट यूज़र को। लेट अस से ये कॉलर नंबर 1 को दे दिया, ये कॉलर नंबर 2 को दे दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से 1G टेक्नोलॉजी के अंदर काम होता था, जो आपका फ्रिक्वेंसी का बैंड था उसको हम डिवाइड कर देते थे सब बैंड्स के अंदर। तो आप यहाँ पे लिख लो अवेलेबल फ्रिक्वेंसी बैंड, जो भी फ्रिक्वेंसी बैंड अवेलेबल था वो सब बैंड्स के अंदर डिवाइडेड था, इज सब डिवाइडेड इंटू सब बैंड्स, और हर एक सब बैंड को हम एक डिफरेंट कॉलर को या यूज़र को प्रोवाइड करते थे फॉर कॉलिंग। सो इज डिवाइडेड इंटू सब बैंड्स, ठीक है। नाउ अब जो पूरा आपका नेटवर्क था, जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था, हेक्सागनल शेप के अंदर ही था। तो यहाँ पे एक जैसे यूजर ये वाला एरिया यूज कर रहा है, एक यूजर ये वाला एरिया यूज कर रहा है, देन ये वाला एरिया यूज कर रहा है। तो पूरा का पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से दिखता था यहाँ पे, ठीक है।
सो दिस इज हाउ इट इज डन, और इसको हम 1G टेक्नोलॉजी को फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस भी बोलते थे, FDMA, सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ 1G। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द 2G, जो कि था सेकेंड जनरेशन, और इसको हम बोलते थे GSM। ठीक है, फुल फॉर्म क्या थी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सो जो GSM था वो आपका 2G टेक्नोलॉजी के ऊपर था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सेकेंड जनरेशन थी, क्योंकि 2 से मतलब होता है यहाँ पे सेकेंड जनरेशन थी। अब यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ होना शुरू हो गया था। आपका 1G में आपने देखा, 1G के अंदर हम सिर्फ एनालॉग का यूज़ करते थे, बट यहाँ पे 2G के अंदर हमने डिजिटल सिग्नल्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। सो डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड। अब इसमें क्या होता था कि जो वॉइस थी, एनकोडेड वॉइस एंड अदर इन्फॉर्मेशन आर डिजिटली एनकोड होती थी, मतलब कि ये वॉइस और अदर इन्फॉर्मेशन को डिजिटली एनकोड करता था और उसके बाद ट्रांसमिट करता था। अब डिजिटल ट्रांसमिशन के बेनिफिट क्या हैं, क्योंकि हम डिजिटली इसमें वॉइस को और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एनकोड कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो डिजिटल ट्रांसमिशन का बेनिफिट क्या है ओवर एनालॉग ट्रांसमिशन। तो सबसे पहला बेनिफिट है, इसमें जो नॉइस थी वो कम होती थी, तो नॉइस से इम्यूनिटी थी, सो नॉइस इम्यूनिटी। एंड सेकेंड इज बेटर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, जो अवेलेबल बैंडविड्थ है आपको उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होता था, सो बेटर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। तो ये दो पॉइंट्स हो गए किसके, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर एनालॉग ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो डिजिटल सिग्नल्स यूज हो रहे हैं ये हमें पता लग गया। ये आया था अर्ली 1991 में, लेट मी राइट दिस, 1991 के अंदर आपका 2G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी जो स्पीड थी वो थी 64 kbps तक, सो द स्पीड वॉज अप टू 64 kbps। ठीक है, अब इसमें क्योंकि डिजिटल सिग्नल था, वॉइस के साथ साथ आप SMS या बाकी जो मल्टीमीडिया होता है वो भी पॉसिबल था, सो यू कैन राइट SMS, मल्टीमीडिया वॉज पॉसिबल। मतलब आप इमेजेस वगैरह भी शेयर कर सकते थे अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। ठीक है, एंड इसकी जो क्वालिटी थी वो बेटर थी देन 1G, सो इट हैज़ ए बेटर क्वालिटी देन 1G। ओके, सो यू कैन राइट बेटर क्वालिटी देन 1G। सो अब जो 2G था वो 1G के बाद आया था। सो बेसिकली 2G क्या था, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 1G टेक्नोलॉजी। दोनों में सेम सेल स्ट्रक्चर का यूज होता था, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यही वाला सेल स्ट्रक्चर यूज होता था 2G के अंदर भी, जो कि 1G में भी यूज हो रहा है और 2G में भी यूज हो रहा है। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस तो ये आ गया कि 2G आपका डिजिटल ट्रांसमिशन के ऊपर काम कर रहा था, 1G आपका एनालॉग के ऊपर काम कर रहा था। और 2G के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज होता था। ठीक है, डिफरेंट सिग्नल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज होता था। 2G के अंदर यूज होता था आपका CDMA। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि CDMA TDMA क्या होता है। तो एक तो होता था CDMA और एक था TDMA, जबकि 1G क्या यूज करता था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो हम पीछे मैंने आपको बताया भी है। तो CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और TDMA की होती है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये एक डिफरेंस था 2G और 1G के अंदर। ठीक है, नाउ आफ्टर 2G नेक्स्ट जनरेशन जो आई थी वो आई थी 2.5G, 2.5 जनरेशन, 2.5G जिसको हम बोलते थे GPRS, GPRS दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। सो बेसिकली क्या था, जो 2G टेक्नोलॉजी थी उसमें GPRS की टेक्नोलॉजी को
ऐड किया गया था और आपका 2.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी को लाया गया था। सो इसमें क्या अलग था, इसने इनेबल किया था वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फास्ट अपलोड, डाउनलोड स्पीड। बेसिकली जो आपकी स्पीड थी 2G के मुकाबले 2.5G के अंदर उस स्पीड को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब ये किसके ऊपर बेस्ड था ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि 2.5G किस पे बेस्ड था और 2G किस पे बेस्ड था। सो जो 2.5G था, 2.5G था वो बेस्ड था आपका आप पैकेट स्विचिंग के ऊपर। 2.5G वाज बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, जबकि जो 2G था वो बेस्ड था सर्किट स्विचिंग के ऊपर। ठीक है, 2G जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, सर्किट स्विचिंग का। अगर इसका फायदा क्या है, सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दी कॉल कॉस्ट। जो कॉल करने की कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई थी यूजिंग दिस पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ 2.5। नेक्स्ट इज 3G टेक्नोलॉजी। नाउ 3G टेक्नोलॉजी था थर्ड जनरेशन आफ्टर 2.5G 3G आया था। ठीक है, अब ये जो था ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड था। इसमें हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट था, बहुत ज़्यादा हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट था कंपेयर टू इट्स अर्लियर जनरेशन टेक्नोलॉजीज। सो इट सपोर्ट्स मच हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट्स एंड बैंडविड्थ जो थी, जो अवेलेबल बैंडविड्थ थी वो भी बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज हो गई थी। और जैसे कि 2.5G की तरह ये भी पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता था, जिससे कि आपकी कॉल की जो कॉस्ट थी या जो डेटा ट्रांसमिशन की कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स तो ये है इसकी जो स्पीड थी, जो इसका स्पीड का सपोर्ट था वो था 144 KBPS से लेके 144 KBPS से लेके 2 MBPS। सो आप देख सकते हो इससे अर्लियर टेक्नोलॉजी के मुकाबले में इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। देन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन कर सकते थे आप, तो इट इज़ सुटेबल फॉर वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन एज वेल एज इंटरनेशनल वॉइस कॉल्स ऑल्सो, या फिर जो हाई क्वालिटी वॉइस कॉल्स। ठीक है, सो हाई स्पीड डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता था, हाई स्पीड डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन। थर्ड करेक्टरिस्टिक है इसकी 3D गेमिंग इसके अंदर पॉसिबल थी, आप 3D गेम्स इसके अंदर खेल सकते थे अपने मोबाइल के ऊपर। तो 3D गेमिंग वॉज पॉसिबल इन 3G टेक्नोलॉजी। देन पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। नाउ यू कैन रन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस ऑन योर मोबाइल ऑल्सो। सो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो थी वो मोबाइल के ऊपर रन हो सकती थी इन दिस 3G। ठीक है, देन चीपर कॉल थी कंपेयर टू इट्स अर्लियर टेक्नोलॉजी, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, सो कॉल भी कम थी, स्पीड भी ज़्यादा थी, सो यू कैन से दैट इट इज़ वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड डेटा स्पीड देन इट्स प्रीवियस टेक्नोलॉजीज। और इसके अंदर आप क्या कर सकते थे, फास्ट एंड इजी ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स, फास्ट एंड इजी ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स, जैसे कि ऑडियो या वीडियो। सो यू कैन राइट ऑडियो वीडियो फाइल्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 3G टेक्नोलॉजी। देन इसके बाद आई थी 4G टेक्नोलॉजी जो करंटली अभी हम यूज कर रहे हैं। सो 4G इज फोर्थ जनरेशन एंड डेटा रेट जो था इसका वो 3G से भी बहुत ज़्यादा फास्ट था, एटलीस्ट 10 टाइम्स फास्ट था। एंड इसी के कारण जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है वो भी पॉसिबल हुआ था। ठीक है, सो इसके जो कंपीटिंग 4G स्टैंडर्ड्स हैं करंटली, जो दो 4G स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, एक है यहां पे मोबाइल वाईमैक्स, मोबाइल वाईमैक्स, और जो सेकंड स्टैंडर्ड यूज होता है डेट इज LTE स्टैंडर्ड। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन।
तो ये दो स्टैंडर्ड हैं जो यूज़ होते हैं इन 4G टेक्नोलॉजी। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली करेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे क्या है इसकी, दैट इट हैज़ ए वेरी हाई डेटा रेट। सो जो इसकी स्पीड है 4G की, इट इज़ वेरी हाई एंड इट कैन गो अप टू 100 Mbps एंड बियॉन्ड, 100 Mbps एंड मोर। तो आप देख सकते हो जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है 4G की। देन द सेकेंड टेक्नोलॉजी, द सेकेंड करेक्टरिस्टिक इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोबाइल बेस्ड मोबाइल एप्स, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोबाइल एंड वेब एप्स। ठीक है, देन जो स्विचिंग इसमें यूज होती थी, दैट इज ऑल्सो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर यूज होती थी, जस्ट लाइक 2.5G एंड 3G टेक्नोलॉजी। देन जो बैंड टाइप था इसमें वो अल्ट्रा वाइड था, और जो इसमें मल्टीप्लेक्सिंग यूज हो रही थी वो थी CDMA मल्टीप्लेक्सिंग। सो CDMA मल्टीप्लेक्सिंग वॉज यूज हेयर, CDMA मल्टीप्लेक्सिंग एंड अल्ट्रा वाइड बैंड। एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज्ड इज 15 MHz। सो ये आप कुछ टर्म्स हैं, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको याद रखना होगा। सो इट इज कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 15 MHz जो यूज हो रही थी इसके अंदर। अब इसके अंदर हाई डेफिनेशन टीवी, मोबाइल टीवी, आईपी टेलीफोनी सब कुछ पॉसिबल था 4G के अंदर। यू कैन राइट आईपी टेलीफोनी वॉज पॉसिबल हेयर। ओके, सो देन हाई डेफिनेशन टीवी व्यूइंग और मोबाइल टीवी इज पॉसिबल हेयर इन 4G। सो जितना भी आप कह सकते हो जो फास्ट इंटरनेट से हो सकता है वो सब 4G टेक्नोलॉजी के अंदर पॉसिबल था। देन आफ्टर दिस द 5G फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है ये, एंड स्टिल ये अभी इन इंट्रोडक्शन के फेज में है। सब कई कंट्रीज के अंदर यूज हो रही है अभी। सो फिफ्थ जनरेशन 5G। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इंक्रीज डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हाई डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है, जिससे 1 Gbps तक इसका डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। सो स्पीड कैन बी अप टू 1 Gbps। सो यू कैन सी वेरी हाई स्पीड इज पॉसिबल इन द केस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ सम ऑफ द अदर करेक्टरिस्टिक्स आर, सो सेकेंड करेक्टरिस्टिक इज साइमल्टेनियस एक्सेस टू वेरियस वायरलेस टेक्नोलॉजीज, साइमल्टेनियस एक्सेस टू वेरियस वायरलेस टेक्नोलॉजीज। देन द थर्ड करेक्टरिस्टिक इज इट इज बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। 4G भी दोनों के ऊपर बेस्ड थी, पैकेट एंड मैसेज के ऊपर, एंड 5G ऑल्सो पैकेट एंड मैसेज स्विचिंग के ऊपर बेस्ड है। एंड द फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज इन दिस ऑल्सो वी हैव डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो इसकी ऑफर्ड सर्विसेज हैं वो डिजिटल इंफॉर्मेशन की सर्विसेज ऑफर करता है। तो जितनी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक रिव्यू ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजीज 1G से लेके 2G, 3G, 4G, 5G। सो 4G के अंदर भी आप लिख सकते हो पैकेट स्विचिंग प्लस मैसेज स्विचिंग, दोनों यूज होती हैं यहाँ पे भी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।